अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, HP न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। हसन नगर के इलाके में एक नौजवान लड़के को किराना शॉप पर उधार के पैसे पूछने पर उस शख्स ने किराना शॉप के ओनर पर किया हमला। आइए देखते हैं इस खसूस में मज़ीद तफसीलात HP न्यूज़ के साथ, और इसी तरह की मज़ीद खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो ज़रूर करें। किराना स्टोर है हसन नगर बड़े नलका में रहते हम, किराना स्टोर है और हम सौदा दिए थे 4000 का। एक साल के बाद उन्होंने घर खाली करके यहाँ से चले गए, फिर आए आके अभी यहाँ 2-3 महीने हो रहा। हम ढूंढे तो नहीं, फ़ोन करे तो फ़ोन नहीं उठा रहे, किसी से फ़ोन करने कराए तो उन्होंने उठा के बोले कौन है आप। हम इन्हों क्या बोले, क्यों फ़ोन करे तो नहीं पहचान रहे क्या आप, मेरे पैसे देना है दियो, कौन है आप बोले तो मैं तुम्हारा बाप हूँ बोल के इतना ही बोले। बोलने के बाद वो फ़ोन फिर बंद कर दिए, उन्होंने नहीं आए। आज दिखे तो उनको बुला के बोलेगी आप पैसे देना है कब दे रहे, तो कई के पैसे रहे तो ऐसा बोला वैसा बोला, बहन के लौड़े अम्मा के लौड़े बोल के गाली गुफ्तार करने लगे। एक बच्चा था, शुक्र पेशेंट है बच्चा मेरा, और उन बाहर निकल के बोला गाली किसको दे रहा तू, तो नहीं सुन के मारम पीटी पे आ गए। घर में दूसरे बच्चे नहीं थे, ड्यूटी को गए सो है, सिर्फ मैं ही, मेरे 2 बच्चे मेरे हस्बैंड रहते, और मेरे हस्बैंड को हार्ट आ गया, 8 दिन हो गया। अब पीर को उनका ऑपरेशन है, ओपन सर्जरी है। अब उनको ऐसा गल्ला पकड़ के खींच के नीचे गिरा के मार रहे, फिर एक ही जना था, फिर उन्हें फ़ोन करके सबको बुलाया, 15 लोग आए, 15 लोग आके वो बच्चे को मार रहे, 2 बच्चों को, सैयद रहीम पाशा को, सैयद गौस पाशा को, सैयद अब्दुल रज़ाक, मेरे हस्बैंड है सैयद अब्दुल रज़ाक, उनको मारे। हार्ट पेशेंट है, मैं मना कर रही हूँ कि मत मारो, हार्ट पेशेंट है वो तो भी कोई। हाँ, पहले 2 आदमी आके इनको भी मारे, बच्चों को मार रहे, बच्चे उनको मार रहे, उनको गिराट दे रहे, पटक दे रहे। मैं बोली कि नहीं, उन्हें हार्ट पेशेंट है रुको, बोले तो नहीं रुके, गाली गुफ्तार कर रहे तो मैं भी गालियाँ दी साहब, गालियाँ दे तो किराना शॉप है, मैं अंदर चले गई तो अंदर घुस के मेरे को 2 आदमी बालम पकड़ के फैटों से आँख पे छाती पे या हाथ पे मारे, मेरा हाथ उठ रहा नहीं, आँख को मारे, ऑपरेशन का है। अब मेरे हस्बैंड परेशान होकर उनको दम चढ़ रहा था, फिर अंदर गिर के पूरा चावल वावला गिरा दिए, पैसे पूछ रहा बोल के गले में 15000 पहले के थे, लबर लगा के रखे थे, अब फिर आज के गिरा के 8-10 हज़ार थे, वो पूरे पैसे ले लिए, चिल्लर पैसे रख दिए, और वो पूरा चावल वावला पूरा फाड़ के पूरा गिरा दिए, और इतना मारे है सर, पूरा मेरे को सर में नफारा, उनको छाते में दर्द उड़ गया। तो अभी उस्मानिया को आए हम लगा ट्रीटमेंट कराने के लिए, अब ACG वो कराए, 2 बच्चे डॉक्टर खाने आए भी, उनका भी ट्रीटमेंट हो रहा। अब ऐसा करो तो कैसा सर बोलो, अगर कुछ होगा मेरे हस्बैंड को तो कौन जिम्मेदार होता था, हार्ट पेशेंट है ना, वो इतना चीख चीख के बोल रही कि वो हार्ट पेशेंट है, उनको मत मारो। पकड़ पकड़ के 4 आदमी मेरे हस्बैंड को, 2 बच्चों को मार रहे, दूसरे उनके दोस्त आ गए, वो लगाम भी आंग पे आ रहे, खींच खींच के नीचे गिरा के मारे। मेरे को इंसाफ होना साहब, अगर मेरे शोहर को कुछ हो जाता, उन्होंने मर जाते या कुछ हो जाता तो क्या करते थे, 4000 ये चले गए, फिर गले में के 15000 गए, फिर आज के पूरे कारोबार के पैसे कितने थे, 8-10 हज़ार कारोबार हमारे पास अच्छा अच्छा था, हम क्या बुरा करें साहब, खाने को नहीं है, पैर हाथ पड़ के उन्होंने आके दुकान पे से उधार सौदा लेके, एक साल हो गया, एक साल के बाद पैसे पूछे तो ऐसा करते क्या साहब बोलो आप। अब बच्चे भी नहीं थे मेरे, बाद में 2 बच्चे आए, लड़कियां नहीं थे घर में, लड़कियां आ गए, वो सब आ गए, लगा भाग गए, हम पुलिस केस करे तो घर को कुफल डाल के लगा भाग गए साहब, अब तक तो उनका पता नहीं है, अब हम क्या करना, हमको इंसाफ होना। जब आप उनको सौदा दिए थे तो क्या आपको आपके कोई पहचान वाले थे, आपके अड़ोस पड़ोस में थे? हां, पड़ोस के थे, पहले बस्ती में थे, पड़ोस है साहब, गरीब है हम, लगा दियो उधार, एक बार लिए, लेके पैसे दिए उन्होंने, फिर दूसरे बार आए तो देते ना इन्हों बोल के दे दिए हम, 4000 का सौदा दे दिए, 4000 का सौदा दे दिए हम उनको, 4000 का सौदा देने के बाद आज देता हूँ कल देता हूँ ऐसा 6 महीने फिर आए, फिर आने के बाद मकान खाली करके चले गए, खाली करके जाने के बाद फिर आए 2 महीने से वही बस वही घर में आके है, हम फोन ना करें तो नहीं उठा रहे, फिर दूसरे का फ़ोन लेके फ़ोन करें हम लोग, तो उठा के बोल रहे कौन है, तो इन्होंने हाथ में फ़ोन लेके बोले कि मैं तेरा बाप हूँ, क्यों पहचाना नहीं क्या, पैसे नहीं देना क्या बोले, तो फ़ोन कट कर दिया उन्हें जब। हाँ, मेरे हस्बैंड बोले बस इतनी बात करे गुस्से से, उन्होंने ऐसा बोले के बाद फिर उन्हें बात कराने दिखाने, आज आया उन्हें 9:30 का टाइम था, आज आया तो आज आके पूछे कि क्यों भाई पैसे नहीं दे रहा, तू ऐसा भाग गया तो कैसा, 1 साल हो रहा पैसे देना बोल के, ज़रा रफ बात करे। 4000 चिल्लर किराना आइटम पूरा है साहब, अब वो लेके गए तो पूछे तो क्या हुआ, हमें आज नहीं कल देता हूँ बोला साहब, कई के पैसे रहे बहन के लौड़े, कई के पैसे रहे अम्मा के लौड़े बोल के गाली गुफ्तार कर रहे। एक बच्चा था मेरा शुक्र पेशेंट है, उन्हें बाहर आ गए, आके क्या गाली दर आ रहे क्या कर रहा बोल के, इन्हें उन्हें तू मैं कर लेते मारना शुरू करे,
फिर मैं बीच में आ गई, हार्ट पेशेंट है, इनका गला पड़े खींच रहा, निकल बुटे बाहर, वो बच्चों को मार रहा, वो बच्चों को मार रहा, फिर उनके दोस्तों को बुला लियो ना, वो लोग कम से कम 15 आदमी थे, मगर 4-5 आदमी तो हम पे हमला करे हुए है और मेरे को मारे, उन्होंने दो भाया हैं और अंदर आके दुकान में ऐसा मारे मेरे को, बाल पकड़े कि मेरे को मुंडी फिराने नहीं आ रहा, ये हाथ पे मार दिए, मुंह पे मार दिए, ऑपरेशन का आँख है मेरा, आँख पे मार दिए, पानी जा रहा, अब ये हाथ पेशेंट है, इनको तकलीफ होना शुरू हो गई। अभी अभी सुबह में जाके हम ट्रीटमेंट करा के, एसिडिटी स्कैनिंग वो सब करा के आए उनकी, अब पीर को ऑपरेशन है उनका, ओपन सर्जरी है, अब हमको इंसाफ होना, आप कुछ भी करो हमको इंसाफ होना, ऐसा नहीं चलता बस्ती में, हर कोई ऐसा करे तो कैसा बोलो आप, अब हमको इंसाफ होना ना, कोई बस्ती के लोग हमारी तरफ आए नहीं, हमको कोई छोड़ा नहीं, कम से कम नहीं वो 100-150 आदमी थे, 100-150 आदमी में अकेली औरत बच्चा, शुगर पेशेंट, कैमरा भी है वहाँ पे, शुगर पेशेंट है, बच्चा भी अच्छा नहीं है, बस हमारे को अब इंसाफ होना सर, हमारे को इंसाफ दीजिए आप, नहीं बोले तो अब जो करना है वो करिए, अभी हम पुलिस में जाके केस करें, पुलिस वाले हमको यहाँ भेजे, तकलीफ बहुत हो रही बोल के, अब यहाँ पूरे टेस्ट करें, अब हम घर जा रहे हैं, हमको इंसाफ दिला, ऐसा बस्ती में करे तो नहीं होता सर, आप जान